बट अबाउट टू इंडियंस यार, आप एक इंडियंस की देखो, गौतम की बेड लगी है 2 करोड़ की, काशी गौतम की 2 करोड़ की बेड लगी है, पाकिस्तानी 8 करोड़, और फिर आप दिनेश की देखो, वरिंद्रा दिनेश की 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बेड। यार इंडिया के वुमेन्स के आईपीएल में भी इतना पैसा है यार, वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी इतना पैसा है, ये वुमेन्स प्रीमियर लीग पीएसएल को बीट कर गई है यार। बाबर आजम घंटे की सैलरी 50 लाख रुपया, शाहीन घंटा 50 लाख रुपया, बाकी प्लेटिनियम वाले। हमारे पीसीबी की ये औकात है कि हम प्लेयर्स को इंडियन हिसाब से देखो तो 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं दे सकता है। गुजरात टाइटंस को गई 2 करोड़ में और 1.3 करोड़ में रिस्पेक्टिवली, वरिंदा दिनेश गुजरात यूपी वॉरियर्स को भी की। सो आज वो अनप्रेसिडेंटेड पैसा उन अनकैप प्लेयर के पास भी आ चुका है कि अब जो आने वाली नई जनरेशन, उनको भी पता होगा कि अगर अनकैप प्लेयर कश्मीर को गौतम और वरिंदा दिनेश अगर वो 2 करोड़ 1.3 करोड़ रुपीज अट्रैक्ट कर सकती हैं INR, तो हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते हैं? 2 करोड़ INR बनता है $2.5 लाख। IPL को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को, मैं खाले वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, हमें क्या जरूरत है? नहीं नहीं, अगर अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में खेलना। पहली जो IPL हुई, सोहेल तंदीर बेस्ट बॉलर हुआ, कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स से खेला, टीम अख्तर खेले, शेन वांग की उसमें शोएब अख्तर खेले, पहली जो हुई शाहिद अफरीदी खेले, बहुत सारे लड़के तो अच्छा था ना, और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके PSL में। क्या उनके लड़के PSL में नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने, दुनिया में अलाउ ही नहीं करते किसी लीग में। इस वक्त मुश्किल ही है कि वो आपको वो भी करें, क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी साहब। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट पीलर चैनल पर। पैसा तो उसके पास है ही, और 18,000 करोड़ लगभग है, तकरीबन $2.5 मिलियन बनता है। लेकिन सेकंड नंबर पर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में जो बात को लेकर चर्चा है, पहला है ओमेन IPL ऑक्शन में जो प्लेयर भारत की तरफ से मैच भी नहीं खेले हैं वह 2 करोड़ में बिके। पाकिस्तान के पैसे की बात करें तो उनके जो बाबर आजम हैं, हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं, उनको सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख ही मिले। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं BCCI के पास हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं, उनको सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख मिलते हैं। इसके साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि BCCI दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड है, उसके पास सिर्फ 800 करोड़ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की कंपेयर में भारत के पास 2025 गुना ज़्यादा पैसा। हाँ, कुछ लोग कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड कप में भारत के पास तो है ही नहीं, उन लोगों को मैं आखिर में जवाब दूंगा। और पाकिस्तानी मीडिया में जो डिस्कशन इसके ऊपर हो रहा है, आप इंजॉय करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी गुंजाइश नहीं है, और उधर वुमेन्स प्रीमियर लीग में यार 2 करोड़ यार हाईएस्ट बेड लगी है 2 करोड़ की। आज 2 करोड़ में 2 प्लेयर बिके हैं, 2 करोड़ में यार। 2 करोड़ का मतलब है पाकिस्तानी भाईजान पाकिस्तानी हो गया, पाकिस्तानी 8 करोड़, पाकिस्तानी 8 करोड़ वुमेन्स में भाईजान 8 करोड़ रुपया। हम कहते हैं PSL सेकंड बिगेस्ट लीग, और आफ्टर PSL इज अ सो टफ बॉलिंग कॉम्पिटिशन और फलाना, तो क्या कुल्ले हम बनते हैं, क्या प्रोपोगंडा हम करते हैं PSL के बारे में, क्या झूठ बोलते हैं भाई। आफ्टर IPL तो ये वुमेन्स प्रीमियर लीग सबसे बड़ी है, जो 8-8 करोड़ रुपया दे रही है पाकिस्तानी, जहां पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं। और ये मैं आपको बताता हूं, ये साउथ अफ्रीकन लीग के कॉन्ट्रैक्ट, ये बिग बास्केट कॉन्ट्रैक्ट, ये काउंटी के कॉन्ट्रैक्टों से भी ज्यादा है भाई जान। अब इंडिया वालों को मुबारक हो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग IPL, जो तो बड़े होने में भी आगे है, बहुत आगे है, वो तो पहले नंबर पर है। अगर दूसरे नंबर पर पैसों के ताबे एतबार से क्वालिटी के हिसाब से वुमेन्स की देखेंगे तो भाई जान, जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है वो भी इंडिया की है, जहां आप रुपए को देखो और जो स्किल है, और ये जो लड़की दिनेश है, वरिंद्रा दिनेश है, इसका मैंने इंस्टाग्राम देखा है, क्या प्लेयर है यार। मतलब आप इंडिया के प्लेयर्स भी देखो ना, ये जो 2 प्लेयर्स इनकी बिकी है महंगी अनकैप प्लेयर्स, हरमनप्रीत कौर की तो बातें ही और है, स्मृति मंदाना की बातें हो रही हैं, ये जो प्लेयर्स बिकी हैं तो भाईजान इनकी भी तो आप हालत देखो, कितनी क्लास की प्लेयर हैं, इतनी कमाल की प्लेयर है, वुमेन्स में भी क्या टैलेंट है हमारे पास, मैन में बाबर घंटा बकरी हैं, और उधर वुमेन्स में क्या क्लास की क्वालिटी अनकैप प्लेयर्स हैं। नेटवर्थ निकल के क्यों आई है सामने, 18,000 करोड़ की नेटवर्थ, सेकंड पोजीशन के ऊपर 628 करोड़ के साथ आपका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ $2.25 बिलियन की BCCI और एक तरफ 600 समथिंग मिलियन का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। ये क्यों, किस लिए, क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं? एस्पेक्ट्स यही है कि इंडिया हैज बीन मेकिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ द मनी, एंड दे आर नॉट ओनली जनरेटिंग फ्रॉम द ICC टूर्नामेंट्स और फ्रॉम द ICC रेवेन्यू पूल, दे आर ऑल्सो सेल्फ जनरेटिंग अ लॉट ऑफ फंड्स। अब इंडियन क्रिकेट इतनी बड़ी बला बन चुकी है, ये टेलफोर्ड वाइस ने लिखा ही इसी वजह से,
ये बोलता है भाई साउथ अफ्रीका ने पिछले साल 12.5 करोड़ का लॉस शेयर मतलब अपने अकाउंट्स में शो किया, उसे पिछले साल 11.5 करोड़ का किया, उससे पिछले साल तकरीबन 6.5 करोड़ डॉलर का किया, सब डॉलर की बात कर रहे हैं। सो अब काइंड ऑफ द मनी दैट हैज बीन इन्वेस्टेड टुडे इनटू द वुमन क्रिकेट, मेरे ख्याल से वुमन क्रिकेट के लिए ये वो अमाउंट अनप्रेसिडेंटेड है, $5 लाख टू एन अनकैप्ड कश्मीर गौतम। सो दैट शोज दैट द काइंड ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड मनी यू आर इंजेक्टिंग इनटू दिस क्रिकेट, इनटू दिस लीग, जो कि मतलब होने को तो बिग बैश भी होती है लेकिन इस तरह का पैसा नहीं है जो पैसा यहाँ दे रहे हैं। अब एक राइट आर्म मीडियम बॉलर के लिए है जो इंडिया ए को की तरफ से अभी तक रिप्रेजेंट कर चुकी है गौतम, उनको अगर आप 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो इट शोज व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज इट इज गोइंग डाउन द टायर, इट इज गोइंग मैसेज टू ऑल दोस एस्पायरिंग फीमेल क्रिकेटर्स टू राइज योर परफॉर्मेंस बार्स एंड यू कैन ऑल्सो अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ मनी, किसको आते हुए पैसा लगता है। Again, the Australian all-rounder, Annabelle Sutherland, she was also the most expensive overseas players. और अगर देखा जाए तो INR 2 करोड़ दिल्ली कैपिटल जुक के। वो WPL जो वुमेन IPL प्रीमियर लीग है का ऑक्शन हुआ है आज और हमने देखा है कि भाई करोड़ों की बारिश हुई है। इतना तो हम देख रहे हैं कि जो PSL में जो हमारे प्लेयर प्लेटिनम कैटेगरी जिससे हाईएस्ट कैटेगरी है उनको नहीं दिया जाता, उनको अगर आप देखो तो PKR में 4 करोड़ ले रहे हैं हाईएस्ट कैटेगरी वाले जो प्लेयर हैं, ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ डॉलर का जो रेट चल रहा होता है PKR में ले रहे हैं। और यहां पे स्मृति मंदाना जो बिकी अगर आप देखो 3.4 इंडियन रुपीज में, यानी कि आप कह लो तकरीबन PKR में तकरीबन ये 11 करोड़ ये बनेंगे 3.4 करोड़ तकरीबन 11 करोड़ बनेंगे और वो PKR में 4 करोड़ अगर आप देखोगे तो हमारा जो PSL का हाईएस्ट प्लेयर होता है, चाहे वो बाबर आजम की बात करें, चाहे वो शदाब खान की बात करें, चाहे वो आप रिजवान की बात करें, चाहे वो शाहीन की बात करें, तो वो हाईएस्ट जो लेते हैं वो 4.25 करोड़ लेते हैं। अगर आप देखो तो एशले गार्डनर है ये जो RCB की तरफ से खेलेगी स्मृति मंदाना, एशले गार्डनर ये 3.2 करोड़ रुपीज लेगी है भाई, ये भी तकरीबन 10 करोड़ ये बनता है, तो आप देख लें। फिर मुंबई के पास जो है मुंबई इंडियंस के पास वो है नताली शेवियर रंट, इनकी बात करें तो ब्रंट जो है इनको 3.2 करोड़ ये भी तकरीबन 10 करोड़ बनते हैं भाई।